नमस्कार, मेरा नाम सत्यम साहिल और आप देख रहे हैं त्रिहुत लाइव न्यूज नेटवर्क को। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शिवहर से आ रही है। जैसा कि देख सकते हैं तस्वीरों में आप, जीरो माइल चौक के ठीक सामने लगभग 1 फीट का गड्ढा हो गया हुआ है, जिससे यहां के लोगों को इस रास्ते से आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डेली यहाँ पे लोग गिर जाते हैं और गिरने के बाद मुंह हाथ तो फूटना तय ही है, क्योंकि पानी के अंदर गड्ढा है और वो गड्ढा दिखता नहीं है। ऊपर से लोगों को लगता है कि पानी के अंदर गड्ढा नहीं होगा, प्लेन होगा, लेकिन कौन जानता है कि पानी के अंदर 1 फीट का गड्ढा है, जिस गड्ढा से डेली यहाँ के जिला के जितने भी आला अधिकारी हैं, उसके बाद यहाँ के नेतागण, सांसद महोदय, विधायक महोदय, सभी लोगों का गाड़ी इसी रास्ते से जाता है, लेकिन किन्हीं लोगों का ध्यान इसके तरफ आज तक नहीं गया, पता नहीं कब जाएगा। लोग इतना समस्या से जूझ रहा है, लेकिन इन लोगों को केवल वोट के समय में आएंगे, दो चार बात बहला फुसला देंगे जनता को, जनता मान लेती है और वोट कर देती है। वोट कर देने के बाद ये लोग अपने दुनिया में मग्न हो जाते हैं, कौन क्या है, कहाँ पे क्या समस्या है, किस क्षेत्र का क्या परेशानी है, उससे कोई माने मतलब नहीं है। आइए देखते हैं जीरो माइल चौक से ग्राउंड रिपोर्ट हमारे तिरहुत लाइव के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश चौधरी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव। अभी मौजूद है बिहार के सबसे पिछड़े जिला शिवहर में और यहाँ का विकास की स्थिति दिखा रहा है कि यहाँ का सबसे मुख्य सड़क जिसको जीरो माइल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा समस्या है लोगों को। यहाँ पर जीरो माइल है और यहाँ से ना जाने कितने प्रशासन शासन प्रशासन की लगातार गाड़ियाँ गुजरती है और यहाँ पर ऐसा स्थिति है कि गड्ढा कर प्रतिदिन कुछ ना कुछ लोग हमेशा गिरते रहते हैं। अभी हम बताते हैं क्या कंडीशन है यहाँ के स्थानीय लोग जो यहाँ पर रहते हैं लगातार, उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या मोबाइल जीरो माइल चौक शिवहर क्या मोबाइल है चार के पास पेपर आसान कागजातों के साथ आपको दिए जाए। गड्ढा का लंबा समय से समस्या है और इसको जिला प्रशासन द्वारा कुछ नहीं किया गया, इसके संबंध में क्या आप बता रहे हैं? जिला में समस्या ही समस्या है, शिवहर से लेकर बेलवा घाट तक, शिवहर से लेकर डुमरी तक, सभी तक। शिवहर का सबसे बड़ा जगह मेन जगह है जीरो माइल, जिसको मैं कहा जाता है पटेल चौक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से लगातार प्रशासन से लेकर नया विधायक बदले बदलने की समस्या शिवहर का नहीं पड़ता है। जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ इसका ऐसा टुकड़ा डाला जाता है जो एक दिन में ही समाप्त हो जाता है। इसमें रोड़े और पत्थर का प्रयोग करना चाहिए, न कि ऐसा इसका टुकड़ा जो एक बार में ही समाप्त हो जाए। जिला प्रशासन को इसको ध्यान देना चाहिए, प्रतिदिन लोग इसका शिकार होते हैं। समस्या गंभीर है, बार बार यहाँ पर रोड़ा डाला भी जाता है, लेकिन इससे रोड़ा का कुछ हो नहीं पाता, कि कोई भी पानी के साथ वो भी पहुँच जाता है। और बाकी कुछ लोगों से हम इस मामले पर बयान लेंगे और दिखाते हैं यहाँ का क्या स्थिति और इस समस्या को कब तक हल किया जाएगा। हमारे साथ एक पत्रकार मित्र भी आ गए हैं, वहीं से जानना चाहेंगे यहाँ पर जो गड्ढा भी है उसका क्या कितना दूर की समस्या आप देख रहे हैं। देखिए, गड्ढा के लिए तो हम लोग लगातार इसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, अलग अलग चैनल, अलग अलग मीडिया कर्मी अपने अपने माध्यम से, लेकिन ये जो समस्या है ये लोगों को बहुत रुलाता है। आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होती है, ना इस पे आम लोगों का नजर है, क्योंकि आम लोगों की भी भागीदारी है कहीं ना कहीं, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और जिला प्रशासन की भी नज़र नहीं है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनकी भी नज़र नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये लोगों को एक तरह से समझिए कि ये बहुत बड़ी असुविधा होती है, जिसके कारण यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। ये देख सकते हैं ये पानी में जो गड्ढा बना हुआ है, यहाँ से लोगों को कितनी परेशानी होती होगी इसके बारे में अंदाज़ा लगाना, हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन जो झेलते हैं उनको पता है कि आखिरकार उनका दिनचर्या कैसे कटता है। गड्ढा है उससे शिवहर में तो प्रत्येक रोड में ही गड्ढा है और जहाँ तक गड्ढा जो है यह जानलेवा है। और यहाँ के जो नगर परिषद है या विधायक जो चेतन आनंद है वो साफ मौजूदा के खड़ा हो गया, यही कारण है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और हर साल बरसात में यही परिणाम हो रहा है कि यहाँ गड्ढा के कारण हर साल कुछ ना कुछ अनोखी घटना हो रही है और यह प्रत्येक साल की यह बनी हुई है। भले ही चुनाव में नेता आ रहे हैं, अपना बात कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन काम ग्राउंड लेवल पर सिवा कुछ नहीं हुआ। समस्या गंभीर है, बार बार शासन प्रशासन MP विधायक और DM कितने बदलते गए, समस्या जस की तस बनी हुई है। सीमा है, DM साहब को आना है और जाना है, जिनमें पड्डे
दो बार तीन बार हर विधायक आते हैं और जाते हैं, वो पुलिस का छोटा पदाधिकारी क्यों ना हो या बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, वो आते हैं तो फुटका उनका गाड़ी जब इतना गिरता है तो फुटका शर्म उनको नहीं लगता है कि हमारा इतना ये शिविर में ये जो हम पदाधिकारी है, हम जो यहाँ पर जा रहे हैं और आवागमन है मेरा वहाँ, तो बताइए जो चरने वाली स्थिति है वो देखिए, वहाँ पर चरने के लिए वहाँ एक गाड़ी बंद हो जाता है, जनता में काफी आक्रोश है, समस्या जस की तस बनी हुई है लेकिन समस्या का कोई हल नहीं हो पाता है, जनता का यही कहना है। बने रहिए कैमरामैन इजाज के साथ, मैं राकेश चौधरी, शिवहर, बिहार।